दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में बहक जाऊं, मुझे दुआएं चाहिए आपकी। आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वरना गीतों को लोगों ने सुनना बंद कर दिया है और आप शहर से बहुत दूर हैं और शहर से बहुत दूर होने के बावजूद भी आप गीत की पंक्तियों को इतनी प्रेम से सुन रहे हैं। हमारे झुंझुनू के बहुत सारे काव्य के रसिक यहाँ आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे निवेदन किया कि चार पंक्ति ईश्वर के चरणों में निवेदन की, मैं दूसरी चार पंक्तियाँ आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप हमारी ज़िंदगी में ना आते या ना आए तो हम इस माइक पर दो मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप हमें प्रशंसाएं देते हैं, दुआएं देते हैं, तारीफें करते हैं, तो हम अच्छा लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और सुना देते हैं। आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। अरे वाह, अब तो चौथी पंक्ति आप आराम से सुन लें। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। वाह, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत दुआएं आपकी मिली, आपका आभार व्यक्त करते। वाह मेरे दोस्तों, मन कर रहा है मेरा चार पंक्तियां आपको और सुनाता हूँ, अगर आपने ठीक से सुन ली तो ठीक, वरना सीधे गीत पे आता हूँ। आपकी इजाज़त है तो जरा कैसे दी जाती इजाज़त, जरा सलीके से बता दी। वेरी गुड। एक एक पंक्ति पे की शब्द पे आपका ध्यान चाहता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों। ये तो तय है कि अगर वो उधर के लोग 100-200 लोग उधर के ना हो तो इस महफिल को ज़िंदगी नहीं मिलती। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, निस्संदेह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा मुक्तक है। वाह, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। अब मुझे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए दोस्तों। अब जो खाली कुर्सियां हो गई हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपकी। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया।
मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। आए हाय दादा, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझसे चिराग कह रहे थे कि एक पूरे पांडाल में एक व्यक्ति के ऐसे हैं जिनके चेहरे पे कोई इम्प्रेशन ही नहीं आ रहा, अगर ऐसे 10-20 और सामने खड़े हो जाते कब से मैंने फ्लॉप हो जाए। लेकिन आपने अब आके ताली बजाई तो मुझे लग रहा है कि आप कविता पसंद भी कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर भी दिल धड़क। वाह मैं जानता हूँ सर, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। आपकी इजाजत हो तो एक मुक्तक और पढ़ दूं। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे के अब चलते हैं, वाह, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। वाह नौजवान दोस्तों, चौथी पंक्ति पे आपकी बहुत बहुत दुआएं चाहिए मुझे। मैं रूरल एरिया में कविता पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कि आप कैसे सुनते हैं मोहब्बत को। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। वाह। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। वाह वाह, जितने दरिया। मुकर्रर मत कही सर, बहुत अभी दो लोग और बाकी हैं, और ये मुकर्रर तब कही जाती है, हालांकि आप तो शायर हैं बहुत बड़े, आपका कहना जायज़ भी है, लेकिन जब दोबारा लोग कहते हैं तो ऐसा लगता है कि पहली बार में ढंग से नहीं सुना आपने। लेकिन आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप इस महफिल में एक शायरी को जानने और पहचानने वाले बैठे हैं। वाह। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं, आप मेरे दूसरे ईश्वर हैं, इसलिए आपका कहना जरूर मानूंगा। जब भी कहते हो आप हमसे के अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। वाह मेरे दोस्तों, एक मुक्तक और पढ़ने का मन कर रहा है, उसके बाद फिर गीत की तरफ आपको लिए चलूंगा। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। योगेंद्र जी सुनो, आज आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और योगेंद्र जी के बाद कवि सम्मेलन शुरू हुआ, जमना शुरू हुआ, इसलिए आज का ताज जो है वो योगेंद्र जी के सर होना चाहिए। एक बार तालियां बजाइए योगेंद्र जी। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है ना आप? रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओ। हाय हाय जी दादा।